वेलकम, आप सभी का फिर से स्वागत है। नई टैप फिर से लेकर आए हैं हम और इस नई टैप हम सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नियम मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। यहाँ पे डज द स्टोर हैव दिस प्रोडक्ट, इंग्लिश का ट्रेनिंग वर्जन, ठीक है। तो ये क्वेरी का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, आपको ठीक है इसे समझना है कि क्वेरी में क्या मोस्ट लाइकली इंटेंट बनता है और किस तरह की क्वेरी, किस तरह का चीज़ यहाँ पूछी है क्वेरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो बिजनेस दिया है ना, यहाँ पर बिजनेस है, ठीक है, जो रिजल्ट लिखा है ये बिजनेस है आपका। इस बिजनेस में दो चीज़ होती है, हर बिजनेस में एक नाम होता है और बिजनेस का एड्रेस होता है। यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, इन बटन की हेल्प से आप इन बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। कई बार अगर ये बटन काम नहीं करता तो आप यहाँ से बिजनेस डिटेल ले सकते हैं। और फिर आपको रेटिंग लेवल देना है, हमें जवाब देना है, यहाँ पर रेटिंग लेवल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये रेटिंग लेवल का पार्ट है, ठीक है। और रेटिंग लेवल में कैसे होगा, देखिए यहाँ आपसे पूछा क्वेरी काउंटर टॉप्स फॉर किचन, यहाँ आपको दिया है प्रिसीजन काउंटर टॉप्स, ये बिजनेस है। तो क्वेरी पूछा ये और आंसर दिया ये, तो फिर आपको बताना है कि डज दिस क्वेरी कंटेन स्पेसिफिक स्टोर नेम और ब्रांड नेम। तो ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि ये जो क्वेरी है इसके अंदर किसी स्पेसिफिक स्टोर, या तो स्टोर का नाम या ब्रांड का नाम है क्या। तो काउंटर टॉप अप फॉर किचन, यहाँ तो कोई ब्रांड का नाम नहीं स्टोर का नाम है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए नो करेंगे, ठीक है। जब आपको लगता है स्टोर और ब्रांड नेम नहीं है तो नो कीजिएगा, अगर स्टोर और ब्रांड नेम होते तो यस कीजिएगा। नो करने के बाद आपको सब रेटिंग खुल जाएगा, इज द रिजल्ट स्टोर दैट स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट इन द क्वेरी। अगर ये ब्रांड स्टोर नेम नहीं है और ये प्रोडक्ट कैटेगरी नेम है तो इसके अंदर बताइए कि ये जो बिजनेस है कौन सा, ये वाला बिजनेस, ये स्टोर स्पेशलाइजेशन है, नो बट हैज सिलेक्शन है, या नो बट हैज प्रोडक्ट है, नो डज नॉट हैव डजंट हैव प्रोडक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा गाइड और कर देता हूँ मैं आपको, ये दो सब रेटिंग होने वाली है इसकी। यस, स्टोर स्पेशलाइजेशन आप कब करेंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पे इफ द क्वेरी इज ब्रॉड लाइक स्टोर, देर आर मेनी काइंड ऑफ शूज लाइक वुमेन, मेंस, चिल्ड्रंस, फॉर्मल शूज। देखिए अगर क्वेरी में ऐसी चीज पूछी गई है जो ब्रॉड है और ये बिजनेस को सर्व करता है तो ये स्टोर स्पेशलाइज हो जाएगा, और क्वेरी में ऐसी चीज पूछी गई है जो कि उसमें से कुछ ही पार्ट सर्व करता है तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्वेरी में कोई चीज़ पूछी है और मेंशन नहीं किया है कि कौन सी है और यहाँ पर वो चीज़ मिलती है बट यूज्ड के केस में मिलती है तो नो बट हैज प्रोडक्ट करेंगे। और फोर्थ का पॉइंट है, अगर ये नहीं अवेलेबल है प्रोडक्ट तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये केस तो हो गया जब प्रोडक्ट कैटेगरी होता है। तो अब अगर सपोज यहाँ पर रेमंड लिखा होता है, किसी कंपनी का नाम होता, ठीक है, या कोई स्टोर का नाम होता, तो आपको यहाँ पे यस करना होता पहले क्वेश्चन के आंसर में, और फिर यहाँ पे चार लेक्स रेटिंग आ जाती है। जब आप स्टोर नेम सेलेक्ट करते हैं तो रेटिंग बदल के हो जाती है, पहला हो जाता है स्टोर नेम मैच करिए, अगर स्टोर नेम है तो क्या मैच कर रहा है क्वेरी से, मतलब ये स्टोर नेम है तो यहाँ पर स्टोर नेम मैच कर रहा है, तो मैच करता है ये फर्स्ट कीजिए। नहीं करता है तो क्या हो सकता है उसके नीचे, या तो अगर स्टोर नेम नहीं है तो डीलर हो सकता है उस स्टोर का, उस ब्रांड का, तो ऑथराइज डीलर चेक कर लीजिए उसकी वेबसाइट पे, कहाँ पे, यहाँ चेक कीजिए वेबसाइट पे जाके क्या डीलर है, अगर डीलर है तो ये चेक कीजिए। और अगर ना डीलर है नहीं स्टोर नेम मैच होता है तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो वो डिफरेंट स्टोर है जहाँ पर ये ब्रांड मिलता है, या फिर वो ब्रांड रखता ही नहीं है, ठीक है। ये बस चार कर रहे हैं आपको ऑप्शन, तो अभी इस केस में ये नो होगा। और जब आप यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर तो फिर आपको जाना होगा वेबसाइट पर।